तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हार्डे साइंटिफिक व्यू ऑफ द फर्स्ट कॉज, जो उसका पहले हमने फिलोसफी से रिलेटेड उसका रेफरेंस रखते हुए थोड़ा सा डिस्कस किया था, और अभी हम उसका साइंटिफिक व्यू देखते हैं कि साइंटिफिक व्यू से रिलेटेड उसके बारे में या उससे रिलेटेड हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं जो है ना प्रिफर करूँगी कि इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन एक दफ़ा आप गो थ्रू करें ताकि आपको आइडिया हो जाए, आपके माइंड में रह जाए कुछ चीज़ें, कि अगर इस तरह की कोई हेडिंग आपको लिखनी पड़ जाए, इस तरह से कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप उस पर जाना ये ऐड कर सकते हैं। ये शॉर्ट लाइक जो आपके लास्ट में एक क्वेश्चन है, आई थिंक 6 और 7 पार्ट होता है, उसमें दो जो है ना मर्ज दो क्वेश्चंस के टोटल 25 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो वो अपने उसमें समटाइम्स ना इस तरह के व्यूज आ जाते हैं, या सिंपल एक छोटे से टॉपिक पे पूछ लिया गया होता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। हार्डी वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ हिज एज रिगार्डिंग द क्रिएशन एंड द क्रिएटर। अपनी जो उसकी अपनी एज की जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज थी उनसे इन्फ्लुएंस होके उसने जो है ना वो जो क्रिएशन हुई उस टाइम पे, और जो क्रिएटर्स थे यानी कि जो क्या कहने के जो राइटर्स थे या जो थेरी साइंटिफिक थेरीज पे वर्क कर रहे थे, रिसर्चर्स थे, उनसे इंस्पायर होके इन्फ्लुएंस होके इसने साइंटिफिक थेरीज का थोड़ा सा टच अप जो है ना वो ऐड किया है अपने काम में। ही एग्रीड विद डार्विन, डार्विन भी एक क्रिटिक है। ही बिलीव इन स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, कि सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल ज़रूरी है। स्ट्रगल एक मतलब सर्वाइवल में या किसी भी सफरिंग में जो है ना वो स्ट्रगल ज़रूरी है, स्ट्रगल के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन इस क्रिटिक का क्या कहना है कि अ सिंगल एक्ट ऑफ क्रिएशन, एक क्रिएशन का एक छोटा सा एक्ट, उससे क्या होता है, बट अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन कुड नॉट हैव क्रिएटेड आउट द यूनिवर्स, के बट अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन यानी कि एक ग्रोथ का या डेवलपमेंट का जो कॉन्स्टेंट प्रोसेस होता है, कुड नॉट हैव क्रिएटेड आउट द यूनिवर्स, यानी कि उस कहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स जो है ना ये दुनिया बनाई नहीं गई है। ठीक है, एक कांस्टेंट जो डेवलपमेंट है ना उस बेस पे नहीं बनाई गई है ये दुनिया। ठीक है, कुड नॉट हैव क्रिएटेड आउट द यूनिवर्स, ठीक है, इस यूनिवर्स में ऐसा जो है ना कोई लॉ नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है जो है ना वो जो इसके मुताबिक चलती हो कायनात। तो अ सिंगल एक्ट ऑफ क्रिएशन, एक सिंगल एक्ट ऑफ क्रिएशन है, बाकी जो कुछ इंसान के साथ होता है उसकी डेस्टिनी, उसके फेट और चांस, उसकी वो उसकी अपनी जो है ना हर इंसान की एक डिफरेंट सफरिंग है, एक अलग सर्वाइवल है। ठीक है, तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में या हमेशा से ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक लॉ या यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग ग्रोथ एक होती हो या डेवलपमेंट होती चली जा रही हो, ऐसा नहीं होता। सो दस हार्डी बिलीव डैट द फर्स्ट कॉज वॉज द फोर्स और एनर्जी वर्किंग कॉन्स्टेंटली फ्रॉम विद इन। ठीक है, हार्डी का क्या बिलीव है कि फर्स्ट कॉज वॉज अ फोर्स और एनर्जी वर्किंग कॉन्स्टेंटली फ्रॉम विद इन, यानी कि ये जो फर्स्ट कॉज के बारे में बात की जा रही है कि जो पहली रीजन थी उसके इस देरी के पीछे, और जो पहला कॉज था फर्स्ट कॉज उसकी सर्वाइवल और स्ट्रगल वगैरह पे लिखने का, उसकी वजह ये है कि वॉज अ फोर्स और एनर्जी वर्किंग कॉन्स्टेंटली, एक फोर्स और एनर्जी जो कंटिन्यूली देखते आ रहा था वो, कि ये चल रहा है कुछ जो है ना इंसान की ज़िंदगी में, कुछ हो रहा है इस तरह की एनर्जी और कोई फोर्स है जो इंसान की ज़िंदगी में उसके रुकावट बन रही है, या कोई फोर्स उसको चला रही है, उसकी ज़िंदगी को आगे लेके जा रही है। तो इस चीज़ को जो है ना वो उसने फर्स्ट कॉज कहा है, उसका ये मानना है। ये थिंक दैट दिस एनर्जी इज़ इनडिफरेंट, यानी कि ये जो एनर्जी है ये इनडिफरेंट है, यानी इंसान के साथ जो भी कुछ हो रहा है या जो फेट हो या को इंसिडेंट्स हैं वो सब इनडिफरेंट है इंसान से। इनडिफरेंट यानी कि उनको इंसान कोई इंसान सफ़र कर रहा है, कोई सर्वाइव कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस अपने आप में एक अनकॉन्शियसली होते चले जा रहे हैं। ठीक है, इनडिफरेंट एंड अनकॉन्शियस ऑफ एनी पेन और प्लेजर, क्योंकि चाहे वो होश में है चाहे वो गमी में है, लोग
उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक एनर्जी है, एक फोर्स है, एक डेस्टिनी है जो कि उनकी चलती जा रही है, ठीक है। जैसे एक्टन हेथ है नॉवल के अंदर कि जब एनर्जी और इनडिफरेंट या अनकॉन्शियस होने की बात आती है तो एक्टन हेथ अपने करेक्टर्स उस उन जितने भी करेक्टर्स थे नॉवल के अंदर उन से रिलेटेड उनकी तरफ जो है वो बहुत ही इनडिफरेंट था, यानी कि वो हार्श था तो बहुत ही ज़्यादा हार्श था, और जो उसके साथ ठीक थे वो उसके उनके साथ सही रहा, लेकिन उसको खुशियों से गमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस एक एज अ नेचर जो उसको एक्सेप्ट करता है वो उसके साथ वो सही उसके साथ चल जाता है हेथ के साथ, और जो नहीं कर पाता वो अपना नुकसान उठाता है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि नेचर जो भी फोर्स है, जो नेचुरल फोर्स एनर्जी है, जो इंसान की डेस्टिनी डिटरमिन करती है या इंसान की ज़िंदगी में क्या होने वाला है उसको डिटरमिन करती है और उसको लेके चल रही है, तो वो इंडिपेंडेंट रहती है इंसान से, उसकी प्लेजर से, उसकी पेन से, अनकॉन्शियस है। दिस इज़ उससे उसकी जो है वो खुशी या गम से भी फर्क नहीं पड़ता। दिस इज़ हिज कंसिडर्ड व्यू। However, when carried away by his indignation, he shakes his post and personifies this force as a hostile creator. For example, for example, in death he caused the first call as the president of the immortals who he lusts for support. अब टेस्ट का यहाँ पे रेफरेंस है जो मैं पढ़ने करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने ना तो ये नॉवल पढ़ा हुआ है और ना ही उस तरह से जब आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं होती है तो उससे रिलेटेड कोई रेफरेंस देना जो है या कुछ भी कोई कमेंट करना वो आई डोंट थिंक वो ना आपके लिए बेनिफिशियल है आपके वे में लिखना, ठीक है। तो बेहतर ये है कि यहाँ पे अगर आपको उससे रिलेटेड कोई रेफरेंस मिल जाता है, जैसे एक्टिंग हेज का मैंने किया है जिसको उसने पर्सोनिफाई किया है नॉवल के अंदर, तो यहाँ पे आप उसकी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। ये टोटली इसमें जो है ना सेकेंड और थर्ड लाइन्स आप ऐड कर सकते करके उसमें जो है ना उसको फर्दर कर सकते हैं एक्सप्लेन, ठीक है। Emphasizes on social reform, wise social reform. इसका मतलब ये है कि इम्पोर्टेंस देना या जोर देना, ठीक है। Emphasize होता है जोर देना, Emphasize कहता है on social reforms, यानी कि society के अंदर जो हो रहा है या जो issues हैं, sufferings हैं, जो भी कुछ हो रहा है उसको जो है उन पर जोर देता है, ठीक है। उनको रिफॉर्म करने पर जोर देता है कि उनको एक नई शक्ल दे देना। तो सोशल रिफॉर्म्स कैन गो लॉन्ग वे टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। जो सोशल रिफॉर्म्स हैं कैन गो लॉन्ग वे टूवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बेटरमेंट के लिए, उनकी बेनिफिट के लिए, उनके फ़ायदे के लिए जो है कैन गो लॉन्ग, यानी कि बहुत जो सोशल रिफॉर्म्स हैं सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं, अगर एक सोसाइटी को रिफॉर्म किया जा रहा है, एक नई शक्ल दी जा रही है, तो वो एक लंबे अरसे तक जो है इंसान की जो बेटरमेंट है उनकी बेहतरी के लिए वो एक सिलसिला जो है ना चलता रहता है। मैरिज लॉज शुड बी लिबरलाइज इन फेवर ऑफ द फेयर सेक्स, यानी कि मैरिज जो लॉज हैं शुड बी लिबरलाइज इन फेवर ऑफ फेयर सेक्स, के इन मामलात में जो शादी के जो मामला हैं इनमें इस तरह का कोई लॉज नहीं होने चाहिए। इसमें जैसे कि हार्डी का हमने प्रीवियस एक लेक्चर में कहा था कि उसका मानना था कि मैरिज और मनी के व्यूज़ पे उसने कहा था कि शादी जो है इंसान की लव बेस्ड होनी चाहिए, ना कि कुछ लॉज की बेस पे जिसके बाद दो लोगों का कुछ टाइम पे रिलेशनशिप चले और उसके बाद फिर उनका डिवोर्स हो जाए। तो उससे बेहतर है कि ऐसे लॉज बनाए जाएं, ऐसे रिफॉर्म किया जाए उन लॉज को कि जो शादियां होती हैं वो लव बेस्ड हों, रिलेशनशिप
कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बेस्ड जो है ना डेवलपमेंट हो उनके रिलेशन की, तो इस तरह का होना चाहिए। तो वो इस फेवर में था कि लॉज जो है ना मैरिज लॉज थोड़े से लिबरल होने चाहिए, कि सिर्फ लॉज की हद तक नहीं होनी चाहिए, मैरिज के जो अफेयर्स हैं ये जो है फेयर होने चाहिए, मतलब इसमें मोहब्बत और प्यार ज़रूरी है। प्योर वुमेन लाइक दिस शुड नॉट बी लुक्ड डाउन अपॉन, के इस तरह की जो प्योर वुमेन होती हैं, मतलब जो लॉयल होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, शुड नॉट बी लुक्ड डाउन अपॉन, उन पे जो है उनको बुरी नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। कि एक तो वो लोअर क्लास से बिलोंग करती हैं, फिर अगर वो जैसे ऑनेस्ट रहती हैं या लॉयल रहती हैं, किसी से कोई अफेयर नहीं, उनकी कोर्टशिप नहीं चल रही होती है, तो ऐसी लड़कियों को या ऐसी औरतों को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनको उनके जो है स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना उनको मॉरली कोई ऐसा मतलब फेयर उनके साथ होना चाहिए, कुछ भी अनफेयर नहीं होना चाहिए कुछ। और डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरेलिटी मस्ट गो, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए हर इंसान के मॉरेलिटी से रिलेटेड, यानी कि हर इंसान जो है अपने करेक्टर में डबल स्टैंडर्ड्स ही होता है, अपने आप में एक अकेला इंसान कुछ और होता है अपने मिलने वालों से, या अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पे मिलने वालों से कुछ और होता है, और घर वालों में कुछ और होता है। तो ये इसके डबल स्टैंडर्ड्स ही हैं कि समटाइम्स लोग सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। तो ये जो है ना इस तरह की मॉरेलिटी जो सब डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। मस्ट गो मतलब नहीं होने चाहिए, हद तक होने चाहिए। अ मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड एज सून एज इट बिकम्स अ क्रुएल्टी टू, यानी कि एक शादी को जो है ना जब से जैसे एज सून एज इट बिकम्स अ क्रुएल्टी, जब ये एक जुल्म बन जाए या एक मजलूम के साथ ज्यादती होने लग जाए इसमें, तो फिर इस शादी को खत्म कर देना जाना चाहिए, ठीक है। इधर ऑफ द टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फॉर इट इज देन नो मैरिज एट ऑल, के बेहतर ये है कि दो पार्टीज़ के बीच या दो लोगों के बीच जो है इस तरह का रिलेशनशिप कायम हो और ऐसी नौबत आए, उससे बेहतर ये है कि शादी ही ना की जाए, ठीक है। तो ये उसके सजेशंस हैं, बिकम्स अ क्रुएल्टी टू इधर ऑफ द टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फॉर इट इज़ देन नो मैरिज एट ऑल, यानी कि एक तो ये कि इससे शादी ना होना बेहतर है, एक दूसरा ये कि अगर इस तरह के रिलेशन हो, ऐसे रिलेशनशिप में अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक क्रुएल्टी वाला सीन आ जाता है, तो कोई दोनों में से कोई एक मजलूम बन जाता है या जालिम होता है, तो इससे बेहतर है कि मतलब वो शादी ना होने के बराबर है। इसका मतलब ये है कि वो एक रिलेशनशिप जो है ना, वो मैरिज जो रिलेशनशिप होता है वो ना होने के बराबर है, वो ऐसा समझे कि ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं है, ठीक है। तो ये सोशल रिफॉर्म्स हैं जिसपे हार्डी जोर देता है, कि ये वाइस सोशल रिफॉर्म्स जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हैं तो 3-4 लाइंस, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कि पहला ये है कि बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, दूसरा मैरिज लॉज जो कि लव बेस्ड होने चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए उसमें, एक दूसरे के दो लोगों के दरमियान के थॉट्स जो है मैच करने चाहिए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग लाजमी होनी चाहिए। मैरिज लॉज की बेस पे मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, तो मैरिज लॉज लिबरलाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। प्योर मैन शुड नॉट बी प्योर वुमेन शुड नॉट बी लुक डाउन अपॉन, उनको इस नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए जो प्योर होती हैं, जो ऑनेस्ट या लॉयल रहती हैं, ठीक है। हालांकि उनको जो है इनडिफरेंट समझा जाता है या अजीब समझा जाता है, तो उनके बारे में डिफरेंट कमेंट करना शुरू कर देते हैं लोग, सुपरस्टिशियस हो जाते हैं उनके बारे में, तो ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे ये उनके साथ कहने की जाप्ती वाला जाना है, ठीक है। और डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी मस्ट गो, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, ठीक है, कि आपके जो है हर इंसान की जो मॉरल वैल्यू से रिलेटेड उसके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं होने चाहिए। मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड एज़ सून एज़ इट बिकम्स अ क्रुएल्टी, मैरिज के जो मैरिज इशूज जो हैं जल्दी से जल्द जो है उनको रिजॉल्व कर देना चाहिए, ताकि बेहतर यह है कि इससे दो लोगों के दरमियान क्रुएल्टी पैदा हो, इससे बेहतर यह है कि इन इशूज को रिजॉल्व किया जाए और लिबरलाइज किया जाए, ठीक है। फॉर इट इज़ देन नो मैरिज एट ऑल, कि इससे बेहतर है कोई शादी ना हो ही ना, ठीक है। ओके, हार्ड इज व्यू ऑफ मैन, लास्ट हैं कुछ ये हेडिंग्स,
इनको देख लेते हैं. हार्डीज व्यू ऑफ मैन. हार्डी डज नॉट टेक अ रिगार्डेड व्यू ऑफ मैनकाइंड. ठीक है. ओडियस विलेन डिटेस्टेबल रेस्कल्स रेस्कल्स आर अ फ्यू इन द वेसेक्स नॉवेल्स एंड नॉट ऑफ देम इज विदाउट सॉल्वेशन और पनिशमेंट. यानी कि जितने भी विलेन्स और रेस्कल्स आपको नजर आएंगे हार्डी के अंदर, उसमें आर फ्यू इन द वेसेक्स नॉवेल्स, यानी कि वेसेक्स के रेफरेंस के साथ जो नॉवेल्स लिखे गए हैं उनमें इस तरह के विलेन्स और रेस्कल्स जो फसाद फैलाते हैं या दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, वायलेंस फैलाते हैं, वो बहुत कम नज़र आएंगे. एंड नन ऑफ देम इज़ विदाउट सॉल्वेशन और पनिशमेंट. और अगर कोई एक दो आपको नज़र आ भी जाएगा उसमें, कोई चोरी चकारी इस तरह के चक्कर में आपको नज़र आ भी जाएगा, तो वो कैद या सजा से बच नहीं सकेगा. ठीक है. तो वो इसके बगैर आपको जो है नज़र नहीं आएगा. जैसे इस नावल के अंदर जो रिटर्न ऑफ द नेटिव है, इसमें करेक्टर ऑफ वाइल्डिम है जो एक विलन की हैसियत से हमारे सामने आता है. ठीक है. तो वो उसको सॉल्वेशन तो नहीं लेकिन पनिशमेंट मिल जाती है एंड पे, जिस तरह से वो लोगों के साथ कर रहा होता है, लड़कियों के साथ कर रहा होता है, धोखे कर रहा होता है, और उसके लिए किसी की फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती हैं, तो उसको उस एंड पे पनिशमेंट मिल जाती है, उसकी सडनली डेथ हो जाती है. डेविड सेसिल सेज दैट हार्डी डज नॉट क्रिएट मीन पर्संस हु आर अनअवेयर ऑफ एनी इशू एक्सेप्ट ग्रेटिफिकेशन ऑफ देयर सेल्फिश डिजायर्स. के वो ऐसे करेक्टर्स क्रिएट नहीं करता. डज नॉट क्रिएट मीन पर्संस, जो मतलब ही होते हैं ना वो वाले जो लोग हैं ना, वो क्रिएट कम करता है, कम बहुत ही कम करता है. हु आर अनअवेयर ऑफ एनी इशू, जिनको किसी आस पास होने वाले किसी इशू से जो है अवेयरनेस नहीं होती, वो उनको कुछ खबर नहीं होती है, एक्सेप्ट फॉर देयर सेल्फिशनेस. ठीक है. अपनी सेल्फिशनेस में वो दूसरों को भूल जाते हैं, दूसरों को इग्नोर करते हैं, दूसरों के साथ क्या हो रहा है, उनके आसपास क्या चल रहा है, उनको कोई अवेयरनेस नहीं होती है. तो ऐसे मतलबी लोग वो बहुत कम जो है अपने नॉवल्स के अंदर या अपने काम के अंदर क्रिएट करता है. ठीक है. जैसे अगर हम द रिटर्न ऑफ द नेटिव की बात करते हैं, तो इसमें करेक्टर ऑफ वाइल्ड एक सिंपल सी एग्जाम्पल है इसके, इस बिल्कुल फिट आती है इस पर, कि उसके उसको किसी की फीलिंग्स के साथ, किसी की डिज़ायर्स या थॉट्स के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जो है किसी की इंसल्ट क्या है, किसी के ज़िंदगी पे बात करना क्या होता है, क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कुछ भी जो भी करने वाला है उसका रिजल्ट क्या होगा, वो कुछ भी नहीं सोचता. वो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है, अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोचता है, जो उसे अच्छा लगता है, अच्छा समझता है, वो ही कर रहा होता है. उसे स्टेशिया के साथ जय स्टेशिया को जेलस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है थॉमसन की, तो उसे पता है कि थॉमसन उसको पसंद करती है, तो वो थॉमसन को यूज़ करता है ये सोचे बगैर कि थॉमसन की भी फीलिंग्स हैं उसके लिए, या मैं उसे धोखा दे रहा हूँ तो उसके साथ क्या होगा, शादी कर ली है दबाव में आके फोर्सफुली, तो अब उसको उसके साथ लॉयल रहना है या ऑनेस्ट रहना है, या उसकी ज़िंदगी इसके बाद कैसी होगी, ऐसा उसने कुछ नहीं सोचा. सोचा तो सिर्फ अपनी डिज़ायर्स के बारे में. ठीक है. सेम इज केस हैपन विद द इन द कनेक्टर ऑफ स्टेशिया, के जो भी वो भी ऐसे ही करती है कि वो उससे सिर्फ अपनी खुशियों से रिलेटेड कंसर्न होता है, वो अपने बारे में सोच रही होती है के मेरी खुशियाँ, या जो उसका फैशनेबल सिटी को लेके, पेरिस को लेके जो उसकी डिज़ायर्स होती हैं, और एक्डन हेट से नफरत और लोगों से भी नफरत होती है, इस तरह की जो है ना वो उसकी सोच होती है. तो ये उसकी भी अनअवेयरनेस थी कि दूसरों के जज्बात और ख्यालात और एहसास का उसने भी ध्यान नहीं किया था. वो सिर्फ अपने आप में जो है वो सोच रही थी कि मुझे इसके साथ कहे कि यहाँ करना है, यहाँ जाना है, इसे यहाँ से निकलना है. अगर क्लाइंट से शादी कर ली है तो वो लॉयल रहने का नहीं सोचा, बल्कि इवन देन उसने जो है वो वाइल्ड के साथ रिलेशनशिप अगेन स्टार्ट कर दिया, और फिर उसी के साथ जो है वो भाग जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो उसकी इमोरलिटी थी, तो जिसकी वजह से उसको सजा मिली. ठीक है.
और एट द एंड यही उन दोनों की सजा थी कि जो हार्डी के अकॉर्डिंग जो है, अगर इस तरह के मेन पर्सन होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग इनकी यही सजा होनी चाहिए, ठीक है। इट डज नॉट मीन डैट ऑल हीज करेक्टर्स आर विर्चुअस। अगर उसने मतलब ही लोग वैसे नॉवल्स में कम ऐड किए हैं और ऐड किए भी हैं तो उनकी सॉल्वेशन और पनिशमेंट का बताया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अदर जो दूसरे नॉवल हैं, सॉरी दूसरे करेक्टर्स हैं नॉवल के अंदर, वो विर्चुअस हैं, मतलब वो नेक हैं, या वो इस तरह के कोई सीन कमिट नहीं करते हैं या कोई इस तरह का एक्शन कमिट नहीं करते हैं जिससे मतलब वो प्योर भी नहीं होते, वो भी उनमें भी कोई ना कोई हानि होती है, वो भी कुछ ना कुछ गलत करते हैं। जब हम ये बात करते हैं दैट ऑल करेक्टर्स आर विचुअस, यानी कि इसका इट डज नॉट मीन दैट ऑल हिज करेक्टर्स आर विचुअस, इसमें आ जाता है करेक्टर ऑफ थॉम्सन कि ओवरऑल वो अच्छी थी, कि एज अ ह्यूमन बीइंग अगर देखें तो वो अच्छी थी, उसने जो है उसमें प्राइड नहीं था, एरोगेंस नहीं थी, और वो एक दिन हेट से नफरत भी नहीं करती थी, मतलब अपने माहौल में वो खुश थी और जो कुछ उसके साथ हो रहा था, शी वॉज हैप्पी विद वॉट एवर वॉज हैपनिंग विद हर, एंड शी वॉज सेटिस्फाइड वेयर शी वॉज लिविंग, बट शी वॉज ऑल्सो नॉट अ ट्रू विर्चुअस इन हर करेक्टर, बिकॉज शी ऑल्सो ट्राई टू यू नो इस्केप वाइल्ड। उसने जो है उसके साथ वो शादी का प्लान करना और उससे रिलेशनशिप रहना, उसका कोर्टशिप होना उसके साथ, तो ये भी ये जाहिर करता है कि ये जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो भी प्योर नहीं है, वो बिल्कुल भी वो जो है वो विर्चुअस नहीं है, उनमें भी खामियां हैं, उनमें भी कमियां हैं, तो इसमें भी कमी होती है, इसमें भी ये कमी होती है, ठीक है। इसको सही इंसान की पहचान नहीं हो पाती है, जो उसके सामने सही बोलता है वो उसको वो सही समझ लेती है, ठीक है। तो लोग दूसरों के कहने पे भी ऐसा कुछ होने के बावजूद भी वो ब्लाइंडेड रहती है कि वाइल्ड शायद उसके साथ धोखा ना कर रहा हो वगैरह वगैरह, फिर भी वो उससे शादी कर लेती है। और देख लें कि इसमें एक और चीज़ ये है कि एडन हेथ, अगर हम बात करें कि वो इनडिफरेंट और अनकॉन्शियस है अपने रहने अपने उसके जिस जो उसके लोग रहने वाले हैं उसकी तरफ, उनकी तरफ ये इनडिफरेंट और अनकॉन्शियस है, तो उसमें सिर्फ नेगेटिव जो या विलिंग कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, विलिंग नहीं आएंगे, बल्कि ये सारे कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि थॉम्सन के साथ भी ट्रेजिडी होती है। थॉम्सन भी उसी नेचर उसी एटमोसफेयर के अंदर रहते हुए अपनी जो है कुछ गलतियों की वजह से उसके साथ भी ट्रेजिडी होती है, लेकिन उसको एंड पे जो एक कह लें ना कि एक अवार्ड एज अवार्ड उसको मिलता है, जब उसकी डिवोरीवन के साथ शादी हो जाती है, तो उसका अवार्ड ये था कि उसने सबर कर लिया था, उसने उसके साथ जो कुछ हो रहा था उसने एक्सेप्ट किया था, उसके अगेंस्ट जाने की उसने फर्दर कोशिश नहीं की थी या वॉलेंट फैलाने की ज़रूरत उसने कोशिश नहीं की थी, तो उसकी जो सिंप्लिसिटी थी उसकी वजह से और जो उसकी एक्सेप्टेंस थी, वट एवर वॉज हैपनिंग विद हर, वट एवर हैज़ हैपन एंड वट एवर वॉज गोइंग टू हैपन, शी वॉज सेटिस्फाइड एंड शी वॉज सेटिस्फाइड डैट वट एवर इज़ हैपनिंग इज़ टू बी हैपन ऑलरेडी, ठीक है। तो इस इन चीज़ों से वो सेटिस्फाइड थी, तो उसकी सेटिस्फेक्शन की वजह से वो चुप रही खामोश रही, तो उसका ये जो है एट द एंड जो है उसको इनाम मिला। तो सब्र का जो होता है ना, कहते हैं ना कि फल मीठा होता है, तो वो ये कहावत जाना हमेशा कह लें कि सच ही होती है, कि जब आप सब्र कर जाते हैं ना, जहाँ पे आप खामोश हो जाते हैं चुप हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप अपना भला कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हैंचर्ड एंड स्टिशिया कमिट सिन के, अगर हम सेल्फिशनेस की बात करते हैं या विचुअस कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो इन दोनों ने, हैंचर्ड ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज में उसने अपनी बेटी और बीवी को बेच दिया था एक फेयर में, एक फोल्क्लोर पे, तो इसने ये सीन कमिट किया था, और स्टेशन ने कमिट किया सीन बट इन अ ग्रैंड मैनर, ठीक है। ग्रैंड मैनर यानी कि बहुत एक होती है ना पीक पे जाती है चीज़ विदाउट एनी लिमिट्स, ठीक है, तो वो वाला काम किया इसने। देर इज़ नो कैलकुलेटेड सेल्फिशनेस इन दैम, उनके जो सेल्फिशनेस थी उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था, वो अपने आप में गुम होकर करते जा रहे थे करते जा रहे थे, कोई जो है ना वो इसकी कोई हद नहीं थी, और वो बस अपने बारे में सोच रहे थे और उससे रिलेटेड उनको जो ठीक लग रहा था वो
कर रहे थे और वही डिसीजंस ले रहे थे. दे वर सिंपली कैरिड अवे फ्रॉम बाय एन ओवर मास्टरिंग पैशन. के ओवर मास्टरिंग पैशन, जो ओवर मास्टरिंग यानी कि किसी पे जो है ना एज अ मास्टर आप समझते हैं कि सारी डोरें आपके हाथ में हैं और आप एज अ मास्टर कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, आप जो है मालिक हैं अपनी ज़िंदगी के और आप जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी फैसला ले सकते हैं, चाहे जो चाहे कर सकते हैं. ठीक है, तो ओवर मास्टरिंग यानी कि एक चीज़ आपके आपके आप अपने आप पे अथॉरिटी समझते हो कि मेरी अथॉरिटी है और आप उसको ओवर मास्टरिंग करते हो कि एक इंसान अपने आप में रहते हो अपने डिसीजंस लेता है लेकिन जब एक हद से बाहर निकल जाता है ना तो वो उसको ओवर मास्टरिंग पैशन कहते हैं कि अपने पैशन के पीछे भागना और इस हद तक भागना जिसकी कोई हद ना हो. ठीक है, तो वो इन्होंने यही किया था कि अपने आप पे अपना हक समझते हुए हर फैसला लेते गए. सेल्फ सेंटर्ड, बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एंड बीइंग सेल्फिशनेस, they kept doing things which they wanted to do. ठीक है, तो चाहे उसे किसी का नुकसान हो, किसी की फीलिंग्स हर्ट हो या किसी कोई किसी का नुकसान हो जाता है, उसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, और ना ही पड़ा है नॉवल के अंदर. तो जब आप नंबर मॉडर्न नॉवल में द मेयर ऑफ कैसल ब्रिज पढ़ेंगे तो इसमें आपको डिटेल में हैंचर्ड की जो है ना वो करेक्टर आप नज़र आएगा, तब आप स्टीशिया का भी इसके साथ कंपेयर कर सकेंगे क्योंकि आपके पास इसकी करेक्टर का भी नॉलेज होगा. आपको आपने इसका करेक्टर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ लिया है तो नेक्स्ट जो है ना अपकमिंग आपका जो नेक्स्ट ईयर है इंशाल्लाह वो उसमें आप जो जो पढ़ोगे आप उसमें प्रीवियस करेक्टर्स को या किसी भी नॉवेल्स को जो रिपीट हो रहा हो उसके किसी राइटिंग के साथ जो है कंपेयर कर सकते हैं. ओके, हार्डी इज़ अ ह्यूमनिस्ट एंड नॉट अ पेसिमिस्ट. अब ये चीज़ ऑलरेडी ऊपर भी मैंने प्रीवियस थोड़ा सा जो हम स्टार्ट है इसी लेक्चर का उसमें मैंने ये बताया कि ह्यूमनिस्ट लोग जो हैं जो क्रिटिक्स हैं या जो इसके रीडर्स हैं वो पढ़ने वाले यही समझते हैं कि हार्डी ने लाइफ स्ट्रगल के बारे में लिखा है, सर्वाइवल्स के बारे में लिखा है, एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है, फेट, डेस्टिनी, कोइंसिडेंस, चांस, इन सब पे लिखा है. तो उनका ये मानना है कि इसकी अपनी ज़िंदगी में भी कुछ ट्रेजडीज ही हुई हैं, कुछ गलत ही हुआ है और इसी तरह से इसकी मिजरीज हुई हैं इसकी ज़िंदगी में. एक सॉरोफुल लाइफ थी तो शायद ये पैसिमिस्ट है, शायद नहीं बल्कि वो कहते हैं कि एक पैसिमिस्ट है. ठीक है, कि अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजरी तो नॉवल भी इस तरह से लिखे जा रहे हैं तो इसकी जो है वो कोई होप टाइप की जो है वो चीज़ नहीं है. लेकिन हार्डी का अपना ये मानना है कि मैं एक पैसिमिस्ट नहीं हूँ, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ. ये मैं जो मैं बयान कर रहा हूँ यानी जो उसने प्रेजेंट किया है अपने नॉवेल्स के थ्रू वो प्रेजेंट करने का मकसद ये है कि ऑप्टिमिस्ट हो इंसान, उसको पढ़ के समझे कि जो मायूस होना या इस तरह की हरकतें करना या मतलब ज़िंदगी क्या है उसको इंसान को समझ आना चाहिए कि ज़िंदगी क्या है. ठीक है, तो पेसिमिज्म नहीं बल्कि उसमें ऑप्टिमिस्ट आपको उसे परसीव करना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट का आइडिया परसीव करना चाहिए कि जो है इस तरह के हालात में आपको कैसे रहना है या आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, जो आप कर रहे हो वो क्या उस पर डिटर्मिन है या वो जो फेट है कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं आपके साथ उसको आप एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट नहीं करके चलते हैं ये आप पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो वो ऑप्टिमिस्ट इसलिए है कि वो ये चीज़ें प्रेजेंट करने का मकसद ये होता है, बताने का मकसद ये होता है कि ये चीज़ें जो पढ़ने वाला है जो रीडर है वो एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में ना करें. ठीक है, वो गलतियाँ जो है वो आपस में ना करें. तो ये उसके जो है ज़िंदगी के बारे में उसकी जो सोच थी जो वो सोचता था खुद क्रिश्चियनिटी पे, फेट पे, डेस्टिनी पे, इंसान की डिटर्मिनेशन पे, वो उसने जो है अपने काम में बताने की कोशिश की है. तो इसलिए वो अपने आप को पैसिमिस्ट नहीं कहता. तो यहाँ पे हार्डी इज़ अ ह्यूमनिस्ट यानी कि एज अ ह्यूमन इंसान के रिलेशंस क्या होते हैं उसकी ज़िंदगी में, रिलेशनशिप्स की क्या वैल्यू है, क्या होनी चाहिए और दुनिया में रहते हुए इंसान की डेस्टिनी को इंसिडेंसेस उसके चांसेस क्या होते हैं इन सब पे जो उसने लिखे. तो एज अ ह्यूमन जो इंसान की ज़िंदगी में होता है बेसिकली उस पे उसने ईच एंड एवरी डिटेल मिन्यूट डिस्क्रिप्शंस के साथ जो है प्रेजेंट की है और डिपिक्ट करने की कोशिश की है ताकि वो अपना मैसेज कन्वे कर सके बीइंग अ ऑप्टिमिस्ट नॉट अ पेसिमिस्ट. तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन वही बात कि आपके पास
उसकी जस्टिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए जो आप लिख सकें, आप एक्सप्लेन कर सकें उसको. हार्डी सेज दैट स्पिरिट ऑफ लविंग काइंडनेस शुड बी द बेसिस ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशंस. के स्पिरिट ऑफ लविंग काइंडनेस के जो इंसान के अंदर एक जो मोहब्बत और चाहत और काइंडनेस के जो क्वालिटीज हैं ये शुड बी द बेसिस ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशंस. हर एक रिलेशन में इंसान की ज़िंदगी में आने वाला हर एक रिश्ता उसके अंदर जो है मोहब्बत और काइंडनेस की जो स्पिरिट है वो होनी चाहिए. ठीक है, सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए इंसान को, क्योंकि जब आप सेल्फ सेंटर्ड होते हैं तो फिर आपके साथ साथ सिर्फ आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है बल्कि आप अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देते हैं. दूसरों की ज़िंदगियाँ भी आपकी लाइफ की वजह से इम्प्रेस हो रही होती हैं. तो ह्यूमन रिलेशंस में ये क्वालिटीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मच ऑफ ह्यूमन मिजरी रिजल्ट्स फ्रॉम द इम्परफेक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉज. मच ऑफ ह्यूमन मिजरी रिजल्ट्स फ्रॉम द इम्परफेक्शन. ह्यूमन मिजरी जो है वो इम्परफेक्शन की वजह से भी आती हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो इम्परफेक्शन के का मतलब ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है. इंसान के अंदर हमियाँ भी आती हैं, खूबियाँ भी हैं और हमें भी आती हैं. इंसान की ज़िंदगी में गम भी आते हैं. ठीक है, तो उस गम या खुशी के मौके पे हर इंसान अपने अपनी कंडीशन को अपने अपने तरीके से डील करता है. तो इम्परफेक्शंस जो आती हैं ना वो मिजरीज जो है ना वो शायद इम्परफेक्शंस की वजह से ही बनती हैं. ऐसा हार्डी का कहना है कि जैसे कोई आपकी कमी है या खूबी है जहाँ पे आप अच्छा फैसला ले सकते थे वहाँ पे आप अपनी किसी हामी की वजह से आपको नहीं पता चलता और आप उस पर गलत फैसला ले लेते हैं या गलत परसीव कर लेते हैं किसी चीज़ को. तो वहाँ पे आपकी ये कुछ चीज़ें जो है एक सीक्वेंस से हट जाती हैं, गलत हो जाती हैं. तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा परेशानी होती है, सफरिंग आपकी आ जाती है, मिजरी आपको फेस करना पड़ती है. तो इम्परफेक्शन की वजह से उसको ये कहना कि मिजरी जो है समटाइम्स रिजल्ट्स फ्रॉम द इम्परफेक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉज. बट मच मोर सफरिंग कैन बी अवॉइडेड. बहुत ज़्यादा सफरिंग का जो टाइम है वो सफरिंग आप अवॉइड कर सकते हैं. कैसे है? एक वी आर काइंड एंड सिंपथेटिक टू ईच अदर. अगर हम एक दूसरे की फीलिंग्स को, वही बात दोबारा आ जाती है कि अगर हम एक दूसरे की फीलिंग्स को एहसास को समझते हैं, एक दूसरे का एहसास कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते हैं, तो क्या होता है ना कि हमारा जो दूसरों के साथ काइंडनेस का जो एक रिलेशनशिप है, सिंपथेटिक रिलेशनशिप, उससे आप दूसरों का गम दूर कर लेते हैं. ठीक है, तो दूसरों के गम में जब आप शरीक होते हैं ना तो फिर आपकी अपनी सफरिंग में भी कमी आती है. ठीक है, तो आप अपने आप को भी सफरिंग से दूर ले जा सकते हैं, अपनी सफरिंग को कम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. अगर आप दूसरों का गम बांटते हैं, दूसरों के साथ सिंपथी शो करते हैं, उनके साथ काइंडनेस का एक रिलेशन अपना जो है ना वो कायम रख सकते हैं. कायम रखते हुए जब आप चलते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में सर्वाइव करना आसान हो जाता है. और कहते हैं ना कि दूसरों के लिए आप आसानियाँ पैदा करते हैं तो फिर आपकी अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है. ठीक है, तो एक ये सिर्फ हमारे इस्लाम में ही नहीं है बल्कि एक यूनिवर्सल लॉ भी आप कह सकते हैं कि जब आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं फिर आपके साथ आपके लिए भी आसानी पैदा हो जाती है. क्योंकि ये कुदरत है, कुदरत का निज़ाम ये है कि जो आप करते हैं वही आप पाते हैं. जो आपने किया होता है वो आपने भुगतना ही होता है. तो अगर आप अच्छा करेंगे फिर आपको अच्छा मिलेगा. अगर आप अच्छाई फैलाएंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में भी अच्छाई आएगी. लेकिन अगर आप वायलेंस फैलाएंगे या अपने बारे में सोचेंगे या सेल्फिश होकर सोचेंगे करेंगे अपने एक्शंस परफॉर्म, तो फिर आपके साथ भी वही होगा जो रिटर्न ऑफ द नेटिव में, यानी इस नॉवल के अंदर स्टेशिया और वाइल्डर के साथ हुआ. ओके, सो दस थॉमस हार्डी इज़ अ ह्यूमनिस्ट नॉट अ पेसिमिस्ट. ठीक है, इस पे जो है ना ये लेक्चर डिलीवर करने का मकसद ये था कि इस पे मज़ीद जो है ना आप डाटा एक्सेप्ट फॉर द बुक आपको अगर चाहिए हो या आप लग समझते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी आपके साथ आपके पास होने चाहिए तो वो ये आप उसमें ऐड कर सकते हैं. स्पेसिफिकली ये जो लास्ट थ्री टॉपिक्स हैं, ठीक है, एम्फेसिस ऑन वाइज सोशल रिफॉर्म,
ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको आप पॉइंट्स में या एक एक को लिखते हुए साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैरिज लॉज के बारे में जो आप एक लेक्चर में दिया हुआ है, आपको नोट्स दिए हैं आई थिंक, व्यूज ऑफ हार्डे ऑन लव एंड मैरिज, ठीक है, तो उस पे उसमें डिटेल्स एक पॉइंट लिख के आप वो डिटेल्स आप लिख सकते हैं। फिर नॉवल के अंदर से कोई रेफरेंस दे सकते हैं उससे रिलेटेड। फिर डबल स्टैंडर्ड्स की आप बात कर सकते हैं, मोरालिटी की, ठीक है, अ मैरिज शुड बी डिसॉल्व, इसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर तो ये जो पॉइंट्स हैं वन बाई वन आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन हार्डीज व्यू ऑफ मैन है एक इंसान के बारे में, एज अ ह्यूमन उसके क्या रिलेशन, वो क्या उसकी सोच है, क्या उसके व्यूज़ हैं, क्या इंसान को अपने रिलेशंस के साथ कैसा रहना चाहिए, इंसान दुनिया में उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड उसने जितना कुछ लिखा है बहुत सारे नॉवेल्स के अंदर। ये क्रिटिक जो डेविड सेसिल है और डार्विन भी आ रहा है और एक और भी है डफिन्स आई थिंक, तो इनके जो है ना जब आप रेफरेंस ऐड करते हैं तो ये पेपर के अंदर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, एग्जामिनर को आपका पेपर बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो बेहतर है कि जब इन रेफरेंसेस को आपको ढूंढ के दिया जा रहा है, लिख के खुद दिखाया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो फिर यू आर सपोज टू मेमोराइज देम, ठीक है, तो इनको याद करें, इनको जो है लिखने की कोशिश किया करें पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर, स्पेशली टेस्ट के अंदर लिखेंगे तो आदत पड़ेगी कि आप पेपर में भी लिखें इसको। देन ह्यूमनिस्ट नॉट अ पेसिमिस्ट, इस पर भी आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, इसमें नॉवल के अंदर से रेफरेंस दे सकते हैं, वो जितने भी छः के छः मेजर कैरेक्टर्स हैं वन बाय वन आप उसमें जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना इस तरह का जो क्वेश्चन है, इज़ हार्डी अ ह्यूमनिस्ट नॉट अ पेसिमिस्ट, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस पर आपको अपनी राय अपना ओपिनियन देना होता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप इसके अगेंस्ट हैं, अगर आप क्रिटिसिज्म जो क्रिटिक्स हैं उनके साथ हैं और हार्डी के अपने व्यूज़ के अगेंस्ट हैं, तो फिर आपको उसके अगेंस्ट क्यों है उसकी जो है ना आपको वैलिड रीज़न देना होती है, ठीक है, जस्टिफिकेशन वही के रेफरेंसेस दें, जस्टिफिकेशन दें, ऑथेंटिक पॉइंट्स ऐड करें उसमें, वही वाले लिखें। और अगर आप इसके फेवर में हैं, हार्डी के फेवर में है कि वो आगे पैसनिस नहीं है, तब भी आपने जो है ना अच्छे जो सही पॉइंट्स हैं रेलिवेंट वो ऐड करना है। तो रेलिवेंसी जो है ना दोनों तरफ होनी चाहिए, दोनों तरफ से आपको डिस्कशन करना भी आनी चाहिए और दोनों में रेलिवेंसी कैसे ऐड करनी है वो भी आपको ऐड करना आना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, आई थिंक इसमें इतना ही था। अगर पिछले में कोई आपको कमी नज़र आए या कसर जो बाकी रह जाए लगे के बाकी है, तो यू कैन आस्क मी अगेन टू एक्सप्लेन इट ड्यूरिंग क्लास। भी कोशिश करेंगे कि अगर हमारा जल्दी जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है तो फिर कोशिश ये होगी कि हम लेक्चर्स रिपीट करें, ठीक है, रिपीट लेक्चर्स में ये होगा कि जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उस पर आप जो है ना डिस्कशन कर सकते हैं ड्यूरिंग क्लास। सो डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, मकसद सिर्फ बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने टाइम निकालना है अपने लिए, आपको करना है दूसरे का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरे को जो है ना इसके आपके ना पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पढ़ें, अपना फ़ायदा सोचें और पूछें जो भी पूछना है, टीचर्स सभी आपसे जो है यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे पूछें सीखें। अच्छा, यहाँ पे एक हेडिंग ऑलरेडी, हार्डी अ रियलिस्ट नॉट अ पेसिमिस्ट, इसमें भी ये चीज़ें आप वो जो एंड वाली हेडिंग है उसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, द फैक्ट इज दैट हार्डी वाज अ थॉरो रियलिस्ट बॉर्न एंड, बट ये उसका जो है पर्सनल लाइफ का रेफरेंस है कि उसने अपनी ज़िंदगी में सफरिंग्स को फेस किया और ऐसे हालात देखे और स्ट्रगल की अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, तो ये इसकी लाइफ का पर्सनल रेफरेंस देते हुए भी आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, साथ आप नॉवल का भी रेफरेंस दे सकते हैं। और फर्दर जो एंड पे लाइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, और ऐसी लाइंस जब आप लिखते हैं ना नॉवल के अंदर तो वो बहुत अट्रैक्टिव होती है वर्ड्स एग्जामिनर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। फर्दर कोई क्यूरीज होंगी, कोई क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन आस्क मी बिलो इन द कमेंट्स।
and or through personal message, through the group discussion, or maybe in the class. Okay, so that's totally your choice. क्या उस कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे जो है हैंडल करते हैं इन टॉपिक्स को, कैसे अब लिखने की कोशिश करते हैं, तो प्रैक्टिस करने से आएंगी चीज़ें. इस तरह से पढ़ के तो डायरेक्ट टेस्ट में लिख देना जो है ना, वो उससे ज़्यादा मिस्टेक होती है. तो बेहतर ये है कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगी. तो यस, this is all for the this topic. We'll see you in the next lecture inshallah very soon. So with this topic we are going to end this novel. There will be not any other related topic of this novel. So we have started a new novel, so we are going to discuss the important topics of that novel. Or Tera Poor Cities will be uploaded soon on the channel inshallah. So we'll see you soon in the next lecture inshallah. Take care of yourself, take care of your loved ones and your parents also. Remember me in your prayers too. Till next lecture, take care of yourself. Allah Hafiz.